लखनऊ से मिली करारी हार के बाद आग बबूला हुए सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। हार के एक घंटे बाद चेन्नई के कप्तान ने गुस्से में कैमरे पर बोल दिया ऐसा। धोनी के जेक गलती को कप्तान ने माना सीएसके की हार का सबसे बड़ा कारण। आईपीएल 2024 में 19 अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और चेन्नई के बीच जोरदार मुकाबले में लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 6 विकेट पर 176 रन बनाए थे। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 82 और क्विंटन डिकॉक ने 43 गेंदों पर 54 रनों की बदौलत 2 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर में 180 रन बनाकर मैच जीत लिया। निकोलस पूरन ने 12 गेंदों में 23 और स्टॉइनिस ने 7 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस हार के बाद चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी निराश नजर आए। उन्होंने मैच के बाद क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने हार के बाद बताया कि हमने बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पावर प्ले के बाद हमें जो शुरुआत मिली थी हम उसका फायदा नहीं उठा सके। नियमित अंतराल पर विकेट खोना बड़ा कारण रहा। हमने 10 से 15 रन कम बनाए। पिचौस की वजह से बाद में बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो गई थी, इसलिए 190 एक अच्छा स्कोर होता। हम पावर प्ले में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत है। हमारे पास 3 घरेलू मैच हैं, हम होमवर्क के साथ उतरेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बतौर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सीजन मिला जुला रहा, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो सीजन में प्रभावित नहीं कर पाए। इस मैच में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो असफल रहे और 13 गेंदों में केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो सीजन में 7 मैचों में 241 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ सस्ते में निपट गए। शिवम दुबे और समीर रिजवी भी नहीं चले, लेकिन अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी ने चेन्नई को 176 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई से मिले 177 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की जीत केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की पारियों से ही तय हो गई थी। ओपनिंग करने आए इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 134 रनों की बड़ी साझेदारी कर डाली। डिकॉक के बल्ले से 43 गेंदों पर 54 रनों की पारी निकली। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 शानदार छक्के निकले। इन दोनों के अलावा निकोलस पूरन ने 23 रन और मार्कस स्टॉइनिस ने 8 रन बनाए। चेन्नई की गेंदबाज इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप दिखे। मुस्तफिजुर रहमान और मतीजा पथिराना को छोड़ दी तो बाकी गेंदबाज एक भी विकेट नहीं ले सके। पथिराना और रहमान को एक एक सफलता मिली। हालांकि रहमान ने 43 रन भी लुटाए। तुषार देशपांडे ने अपने 4 ओवर के स्पेल में विकेट लेस रहे और 42 रन लुटा दिए। जडेजा को भी कोई विकेट नहीं मिल पाया, उन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए। दीपक चाहर ने 3 ओवर में 26 रन खर्च किए और बिना कोई विकेट लिए वापस लौटे। आखिरी ओवर में धोनी के धमाके और रविंद्र जडेजा के शानदार अर्धशतक की पारी के दम पर चेन्नई ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 176 का स्कोर खड़ा किया था। हालांकि जडेजा और धोनी की पारी अभी बेकार हो गई। तो आप भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।